हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट का शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। हम लोग को जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना आता है तो उसका रो वाइज या फिर कॉलम वाइज हम लोग एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हम लोग उसको ना देख करके एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं डिटरमिनेंट का। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल 1 2 1 3 2 2 2 3 1, कोई भी हम लोग क्या बोलते हैं रैंडम एग्जांपल ले लिए यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग रैंडम एग्जांपल यहाँ पे लिख चुके हैं तो हम देखेंगे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालें, यानी इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स है, उसका हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जो कॉलम है, दो कॉलम है, उसको वापस यहाँ पे उतार देना है। इसको 1 3 2, ये कॉलम 1 है, हम लोग कॉलम 1 को क्या किए, उतार लिए यहाँ पे वापस से। उसके बाद कॉलम 2 जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, दैट इज 2 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉलम 1 और कॉलम 2 को रेस्पेक्टिवली निकाल लिया, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, आपको देखिए ये जो है ना, ये डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा, 2 2 4 4 2 8 8। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 9। आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे, वैसे तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद माइनस में क्या करना है, ब्रैकेट में, ठीक है। अब उसको इस मतलब हम लोग ऐसे किए, ठीक है, दूसरे अब डायगोनल से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 2 6 इंटू 1 6 प्लस 3 3 2 6 अगेन 6, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब इसको जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 8 2 10 10 9 19 माइनस 6 4 10 6 16 इज इक्वल टू 3। समझ में आया आपको, इतना चीज क्लियर है। देखिए 9 8 17 2 19 और उसके बाद 4 2 6 4 10 और 16, तो 3 हमारा क्या आया, डिटरमिनेंट वैल्यू आया इसका, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे 3 2 2 4 5 7 7 2 0, ये देखिए ये डिटरमिनेंट का हमारा हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, उसका हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वापस कॉलम 1 को उतार लेंगे, 3 4 7 ये वाला। उसके बाद सेकेंड कॉलम को उतारेंगे, 2 5 2 2 5 2, ठीक है। हम लोग इसको उतार लिया। अब उसके बाद वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा प्लस, यहाँ 0 है, 7 2 जा 7 2 जा 14 14 7 जा। तो देखिए यहाँ पे हमारा चीज आ गया, क्या चीज, यहाँ पे 7 7 जा 49 और 49 2 जा 98, ठीक है। ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे आया, फिर प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस। अब वापस हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ऐसे 7 5 जा 35 35 इंटू 2 70, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14 14 इंटू में 3 42, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब इसको 4 2 जा 8 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 0, ठीक है। आप देखिए 98 प्लस 16 हम लोग ऐड करेंगे, 8 6 14 के 4 9 1 10 10 1 11, ठीक है। यहाँ पे 114 आया, कैसे, 8 6 14 9 1 10 1 11, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 2, तो यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यही हमारा आंसर है। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगर आपसे बन रहा है तो आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 2 सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 3 5 6 2 5 2 1, ये देखिए ये पहला डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का आपको वैल्यू निकालना है, दैट इज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ फटाक से आपको मैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 3 1 8 2 1 0 0 0, इसका वैल्यू आप मेरे को बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और आपका नाम अनाउंस किया जाएगा अगले वीडियो में।